सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। ये मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। नतीजा साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहा। मेजबान टीम ने मैच को पारी और 32 रनों के अंतर से जीता। इसी के साथ भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। 1992 में पहली बार भारत और साउथ अफ्रीका का सामना टेस्ट में हुआ था और भारत ने कभी भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है और इस सीरीज को भी टीम इंडिया अपने नाम नहीं कर सकती है क्योंकि सीरीज का एक ही मैच बाकी है और अगर उस मैच में भारत को जीत मिलती है तो सीरीज ड्रॉ रहेगी और हारने पर मैच 2-0 से हार जाएगी। अगर मैच ड्रॉ रहता है तो भारतीय टीम 1-0 से सीरीज गंवा देगी। पहली पारी में 163 रनों से बिछड़ने के बाद भारतीय बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी पारी में भारतीय टीम की पारी शुरुआत से आउट ऑफ ट्रैक नजर आई। भारतीय बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते गए। कुल मिलाकर भारत दूसरी पारी में 34 ओवर 1 गेंद ही खेल पाया और 121 रनों पर उसकी पूरी टीम धराशायी हो गई। दूसरी पारी में भारत के लिए विराट कोहली ही शानदार प्रदर्शन कर पाए। कोहली ने 12 चौकी और एक छक्के की मदद से 82 गेंदों पर 76 रन बनाए। कोहली के अलावा शुभमन गिल ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। साउथ अफ्रीका की ओर से नांद्रे बर्गर ने 4 और मार्क यॉनसन ने 3-3 विकेट लिए।